हाय दोस्तों, तो आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे ब्रेड से एक स्वादिष्ट रसमलाई बनाई जा सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं इसको वेरी वेरी ईजी प्रोसेस से बनाऊँगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ब्रेड मलाई बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 500 ml तरह का दूध ले लिया है। तो अब मैं इसको ज़रा सा हीट कर दूँगी। अब जब इसमें बबल आने लगे हैं तो मैं इसको अभी तक हीट करती रहूँगी। अब मैंने इस पर 2 इलायची ऊपर से इसको थोड़ा तोड़ दिया है और 2 इलायची इसमें ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसको थोड़ा और गाढ़ा बनाने की कोशिश करूँगी। इलायची से इसमें बहुत ही अच्छा स्मेल आता है और बाद में आप चाहे तो इसको मिल्क से उठा भी ले सकते हैं जब ये कूल हो जाए। तो अब जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, मैं इस पर 1/2 कटोरी की तरह चीनी मिला दूंगी। अगर आपको ज़्यादा या कम मीठा चाहिए तो आप अपने अनुसार इसमें ज़्यादा या कम चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास सैफ्रन है तो आप इसमें सैफ्रन भी ऐड कर सकते हैं, सैफ्रन ऑप्शनल है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जब तक कि ना ये गाढ़ा हो जाए। ये मेरी मलाई के लिए ये सिर्फ मलाई है। और अगर अगले बार मैं खीर बनाऊँगी। तो मेरी मलाई तैयार हो गई है। अब इसको मैं एक साइड में उतार कर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से 500 ml की तरह दूध ले लिया है और इस पे भी मैं सेम प्रोसेस से 2 इलायची ऐड कर दूँगी, उसका ऊपरी हिस्सा तोड़ कर। और ये हमारा अब एक खीर बन रहा है जो हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसमें बबल्स आ जाए तो मैं यहाँ पे 1/2 कटोरी की तरह राइस फ्लावर इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जब तक कि ना ये फुल मिल्क में घुल जाए। और अब इसमें मैं 1/2 कटोरी चीनी ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी मिल्क को थोड़ा गाढ़ा करने की कोशिश करूँगी। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि अब हमारा खीर तैयार हो गया है। मैंने इसको बहुत ही देर तक ऐसे मिक्स करते रहा है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कि कैसा मेरा खीर बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा और बहुत ही फ्लफी हो गया है। और अब मैं
मैं जो ब्रेड है उसको तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्रेड की जो साइड की बॉर्डर होती है वो कट कर लूँगी, क्योंकि हमको सिर्फ अंदर का हिस्सा ही चाहिए। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बटर ब्रेड लिया है, अगर आपके पास वाइट ब्रेड है तो आप वाइट ब्रेड ही यूज़ करें। अब मैं अपना जो ब्रेड है उसको रोल कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से रोल के लिए। मैं अब फिर से इसको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे रोल किया है। अब मैं अपना जो खीर है उसको इसमें स्टफ़ कर दूंगी, ना जो रोल ब्रेड है, और इसको अच्छी तरह से एक रोल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। मैं आपको और एक बना के दिखा रही हूँ कि कैसे ये करें। अब एक चम्मच या दो चम्मच खीर लीजिए ब्रेड पर, इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए और इसको रोल कर दीजिए। मैं इसी प्रोसेस के द्वारा अपने सभी ब्रेड को रोल कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी ब्रेड तैयार हो गई है, और वो जो लाल लाल है उस वो ब्रेड में ही प्रेजेंट था। ये एक टाइप की होती है, ड्राई फ्रूट कह सकते हैं इसको। ये असल में चेरी होता है, जिसको पीस पीस करके ब्रेड में दिया गया था। तो मुझे वाइट ब्रेड नहीं मिला, तो मैं बटर ब्रेड से बना रही हूँ। अगर आपके पास वाइट ब्रेड है तो आप वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी ब्रेड को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि मैं इस पर मलाई दे सकूँ। और यहाँ पर मैं इस पर मलाई दे रही हूँ। मैंने अपनी थोड़ी सी ब्रेड दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर ली है, क्योंकि सभी ब्रेड में मलाई अच्छी तरह से जाना ज़रूरी है, तभी ही आपको एक मलाई की अच्छी फ्लेवर मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मिल्क से होममेड मलाई बनाए हैं उसको मैं अपनी ब्रेड रोल्स पर स्प्रेड कर दूँगी। आप ध्यान रखिए कि सारी जो ब्रेड रोल्स है वो मलाई के अंदर सिंक हो जाए, ताकि मलाई इसमें अच्छी तरह से मिल जा सके। आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी मलाई तैयार हो रही है। अब मैं इसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए एक एक करके रेजन्स दे रही हूँ, इसको हम किशमिश भी बोलते हैं। अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट्स देना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मलाई तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ये खाने में बिल्कुल ही दुकान की खरीदी हुई मलाई की तरह लगती है। आप इसको घर में ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैं जो दोनों बोल पर मलाई ली थी, अब मेरी मलाई रोल तैयार हो गई है। तो आज का वीडियो यही तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।